ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जनता का मूड क्या है ये जानने के लिए आज हम इलाके में पहुंचे हैं बुद्ध विहार। वार्ड नंबर 27 है, यहाँ दीपक जैन है, टिकट के प्रबल दावेदार हैं। एमसीडी में भी केजरीवाल इस नारे के साथ जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं और साथ ही साथ क्योंकि विधायक प्रतिनिधि भी हैं तो विकास कार्यों को भी ये लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार उद्घाटनों पर मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं, अब यहाँ से निगम पार्षद रही है बीजेपी की, आम आदमी पार्टी के विधायक, लगता है कि कोई विकास कार्यों में बाधा आई इसकी वजह से? देखिए, सब जब क्षेत्रीय निगम पार्षद अपोजिट पार्टी के रहे, हमने सीवर का काम शुरू किया, इस क्षेत्र के लिए इतना बड़ा कार्य था, 161 किलोमीटर सीवर लाइन डालनी थी, निगम पार्षद ने कदम कदम पर रोका। मुझे लगता है सीवर कंपनी में अगर अभी हम जाकर बात करें, जो एजेंसी कार्य कर रही है, 100 से ज़्यादा दिल्ली नगर निगम ने उनको चालान भेजे कि आप गलियों में से मलबा नहीं उठा रहे हैं। अब स्वामी जी, अगर ये इस सड़क पर सीवर का काम होगा तो निश्चित रूप से मलबा भी पड़ा रहेगा। अड़ंगा अड़ाने के लिए 100 से ज़्यादा चालान उस कंपनी ने दिल्ली नगर निगम में जाकर भरे। हमने हाई टेंशन उतरवाने की शुरुआत की क्षेत्रीय निगम पार्षद ने, उसमें पंगा अड़ाया। पानी की लाइन जब डलवाने का काम किया, उसमें अड़ंगा अड़ाया। आज हम सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं, इस पूरे बुद्ध विहार के अंदर जितनी गलियां बन रही हैं, अगले दिन पार्षद जी वहाँ जाते हैं और एक बोर्ड लगा के उस सड़क का नामांकन करते हुए ऐसे उद्घाटन करते हैं जैसे उन्होंने सड़क बनाई। क्षेत्र का ड्रेनेज सिस्टम इतनी बुरी तरह चरमरा गया है कि आदमी को सुबह गेट खोलते सबसे पहले अपनी नाली की सफाई करनी पड़ती है। पिछले 15 सालों में दिल्ली नगर निगम ने जो भ्रष्टाचार फैलाया, उसका एक उदाहरण हमारे क्षेत्र में आप देख सकते हैं। एक मकान ऐसा, मैं आपको वादा और निगम पार्षद को चुनौती भी देता हूं कि एक मकान बताएं जो 35,000 रुपये बिना लेंटर के दिए दिल्ली नगर निगम को बनाओ। पिछले 5 सालों में क्षेत्रीय पार्षद विजय विहार से आए, यहाँ उनकी पार्टी ने टिकट दी और वो जीत गए। उन्होंने कभी बुद्ध विहार के दुख दर्द को ना पहचाना और ना जाना और उनके 5 साल पूरे निकल गए। शिकायत करनी चाहिए अगर आपको लगता है करप्शन का इतना बड़ा मामला यहाँ चल रहा है, तो क्या कोई लिखित शिकायत भी हुई है कभी? देखिए, आप एक देखिए, सिर्फ बुद्ध विहार एक ऐसा वार्ड नहीं है, पूरी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम ने जो हाल अनऑथराइज कॉलोनी में मकान बनने के पैसे पे लेना शुरू किया, ऐसा बुद्ध विहार तो है नहीं। और शिकायत का जीता जाता उदाहरण है ये क्षेत्रीय पार्षद का दफ्तर, उनके अगर वो नोट करते होंगे तो 500 शिकायत तो कम से कम उनके कार्यालय में जनता की होगी। जब वो जनता की शिकायत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मुझे तो वो फिर भी अपनी विपक्षी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता समझेंगे। तो जनता की शिकायत के लिए जनप्रतिनिधि होता है, जनता ने अनेकों शिकायत की और पिछले 3 साल से तो जनता ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। शिकायत सिर्फ दफ्तरों में उनके पेपरों में लिखी जाती है, उसका समाधान नहीं। एक सीवर बहुत बड़ी समस्या रही है, कहाँ तक वो पहुँचा है काम और क्या तस्वीर आप देख रहे हैं, कब तक हो जाएगा? माननीय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र की 14 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर का कार्य 3.5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी इनॉग्रेशन किया था। और अगर हम बात करें सिर्फ बुद्ध विहार फेस 1 की, 80% क्षेत्र में हम सीवर डलवा चुके हैं, जिसमें से करीब 60% सीवर को वर्किंग कर दिया गया, लोगों को कनेक्शन दे दिए गए हैं। बचा हुआ 20% काम आउटफॉल 4 से होना है। कंजावला रोड पर आप अभी आए होंगे निकलकर, बड़ी खुदाई हो रही है और अगले मई महीने तक पूरा बुद्ध विहार फेस 1 सीवर डला होगा। जहां सीवर डल गया है, कनेक्शन लोगों के हो गए हैं, वहाँ सड़कें बनाने का काम, हम इस सड़क पर भी खड़े, काम जारी है। दिल्ली देहात और अवैध कॉलोनी में एक बहुत बड़ा फंड केजरीवाल सरकार दे रही है, आपके रिठाला विधानसभा में कितना फंड आपको मिल रहा है और क्या तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, पिछले 5 साल पहले जो हमने कार्यकाल माननीय विधायक जी ने निकाला, हमने जनता को 5,000 करोड़ रुपए रिठाला विधानसभा में जो लगाए उसका हिसाब दिया कि कहां से पैसा आया, कितना पैसा लगाया और कहां लगाया। दिल्ली की पहली ऐसी विधानसभा थी जहाँ मेडिकल कॉलेज बना, शहीद सुखदेव बिजनेस स्टडी का कॉलेज बना, 200-250 करोड़ रुपये की लागत से ये चीज़ें बनी। सीवर प्रोजेक्ट की अगर बात करें, 89 करोड़ रुपए की लागत से ये काम शुरू हुआ और क्योंकि इसके बाद 2-3 कॉलोनियाँ इसमें और ऐड हुई तो मुझे लगता है 100 करोड़ रुपए करीब ये काम जाएगा। अब जबकि कोरोना काल में दिल्ली सरकार के पास बजट का भी टोटा था, उसके बाद भी अनऑथराइज कॉलोनियों में सड़क बनाने के लिए 66 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, मैं तो धन्यवाद करता हूँ क्षेत्र की जनता की ओर से, माननीय विधायक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने बुद्ध विहार विजय विहार के दर्द को समझा और कोरोना के पैंडेमिक सीजन के बाद भी 66 करोड़ रुपये सड़कों के लिए उन्होंने दिए। अब पता नहीं कब चुनाव की घोषणा हो जाए, आचार संहिता लग जाए और क्या क्या प्राथमिकता रहेंगे, आप जनता के बीच में जा रहे हो, क्या कह रहे हो, आपको क्यों दें? हम 3 चीज़ों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। हमने अपना विकास किया, दिल्ली सरकार ने जो काम किया अलग बात है। एक तो एमसीडी से हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है। आज
एमसीडी को आप 20 फोन करिए नाली की सफाई कराने के लिए, कोई नहीं आएगा। एक बजरपुर की रिक्शा अगर मकान में लगने के लिए हमारे मकान के सामने है, सूंघते हुए 5 मिनट में एमसीडी के कर्मचारी पहुंच जाते हैं और 30-40 हज़ार रुपये लेंटर के लेते हैं। लेंटर मुक्त करेंगे, लेंटर माफियाओं को मुक्त करेंगे। दूसरा, निगम पार्षद एक छोटा सा मोहल्ले का नेता होता है जिसे सब चुन देते हैं कि हमारे दुख दर्द में सहयोग देगा। और मुझे लगता है पिछले 5 साल में जो यहाँ की निगम पार्षद कुंभकर्ण की नींद से सोई हैं, एकदम इस व्यवस्था को ख़त्म करेंगे। किसी के पैर में भी कांटा लगेगा तो पार्षद उसके द्वार पर होगा, ऐसा एक काम करेंगे। तीसरा, जो सफाई व्यवस्था चरमरा गई है इस क्षेत्र की, उस सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए 500 अधिकारी कर्मचारी अगर कागज में हैं तो 500 ग्राउंड पर भी होंगे। इन तीन चीज़ों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं आप और संस्कारी युवा भी आप कह रहे हैं, ये आपका कार्यालय है, प्रत्याशी का कार्यालय बन जाए ये, देखिए क्यों, क्या ग्राउंड है इसके पीछे? मैं 10वीं क्लास में था जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ और मैं पहले दिन अन्ना आंदोलन में गया, उसके बाद पार्टी बनी, पार्टी का संस्थापक सदस्य भी बना, अरविंद केजरीवाल जी, योगेंद्र यादव जी, बहुत लोगों की टीम में काम किया, 7 सालों से माननीय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी के साथ प्रशासनिक अनुभव लिया। और मेरा तो एक लक्ष्य है जी, प्रत्याशी कोई भी हो, मैं हूँ या हमारा कोई साथी हो, 272 सीटों पर अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को हमने इस बार एमसीडी में लाना है और दोनों सरकार ऊपर नीचे अरविंद केजरीवाल जी की देनी है, ताकि दिल्ली की जनता ने जो हम सड़क पर चलते हुए आज इनको आज कुर्सी पर बैठाया है तो उसका लाभ मिले, दोनों जगह जनता की सेवा हम कर सकें, ये हमारा लक्ष्य। बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि अगर एमसीडी और दिल्ली में एक ही शासन की सत्ता होगी तो काम ज़्यादा आसानी से होंगे और बुद्ध विहार का भाग्य भी बदल जाएगा। कैमरामैन सोनू और पुनीत के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।